मैं तो कहती हूँ कि आप आज ही हटाएं, अफ्सपा आज ही हटाएं। उन्होंने कहा है ट्रूप्स को भी निकालने की बात की गई है, मैं तो कहती हूँ कि आज ही किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे इतना शायद भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन की विजिट हुई तो उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की, एक पार्लियामेंट इलेक्शन, एक असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी असेसमेंट, पार्लियामेंट इलेक्शन क्योंकि मुल्क भर में हो रहा है तो उन्होंने कहा चलिए जी यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या, कौन सी सिक्योरिटी असेसमेंट थी जो उन्हें अभी भी करनी बकाया थी इतने साल के बाद। हाँ, तब से अभी तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था, दूसरा इलेक्शन एटलीस्ट, क्योंकि हमारा लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ है, फिर टेक्निकली हमारा 20 में दूसरा इलेक्शन होना था, लेकिन हमारी जो असेंबली है वो डिसॉल्व 18 में ही हुई, 2018 में, तो 2024 में है, हम 6 साल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से जो है दिल्ली तक रिपोर्ट पहुंचाती है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तक, इस तरह नहीं होता है कि जो साफ ग्राउंड रिपोर्ट है वो पहुंचती हो वहां पर, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम उन्हें कहा जाता है कि हमें जी सिक्योरिटी का असेसमेंट करना होगा, लेकिन जब फिर बाकी बयानबाजी की बात आती है तब कुछ और रिपोर्ट भेजी जाती है। तो हम तो इसमें खुश होंगे, उमर साहब ने मेरे ख्याल से ये जो है रेवोकेशन ऑफ अफ्सपा, इसकी बात बार बार की है, हमेशा की है, हम तो इसके स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर्स हैं कि अफ्सपा जो है आप रिवोक करिए, अफ्सपा को ख़त्म करिए, क्योंकि इससे ये एक ड्रिकोनियन लॉ है जिससे इम्यूनिटी मिलती है फोर्सेस को बहुत सारी चीज़ों में। इसलिए हम तो मेरे ख्याल से जब से है तभी से कहते आ रहे हैं कि अफ्सपा हटना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो मैडम मेरा दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन जगह जो हैं जलसे वो हुए, मीटिंग्स हुई ब्लॉक्स लेवल्स पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला बेसिकली 19 के बाद बात करने का, लोगों को कोई मौका नहीं मिला अपनी जो है ओपिनियन वो इजहार करने का। तो मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि वो वोट के ज़रिए जो है अपनी ओपिनियन वो इजहार करें, जो कि एक अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, इंसान को एक ये अपना राइट एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोग एंथुजियास्टिक हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मीटिंग्स में, और मेरे ख्याल से एक खुशगवार माहौल भी है कि फाइनली चलिए ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, ये हो रहा है, चलिए यहीं पे सही उनको मौका तो मिलेगा कि ईवीएम मशीन में वो उस तंजीम को चुने जो उनको लगता है उनको रिप्रेजेंट कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। देखिए, मैं पहले दिन से बोलती आ रही हूँ कि ये जी टीम्स हैं ए बी सी डी ई, तब आप ही मेरे भाई मुझे सवाल पूछते थे कि आपको कैसे पता है ये लोग एक साथ हैं, आपको कैसे पता है पीछे से सपोर्ट है। अब जी प्रूव कर दिया इन्होंने खुद ही कि हम जी सारे साथ हैं, जितने भी यहाँ बीजेपी के ए बी सी डी ई हैं हम जी सारे साथ मिलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से टकराएंगे। क्यों इसी जमात से क्यों सबने टकराना है? क्योंकि हम राइट्स की बात करते हैं, हम 370 की बात करते हैं, हम 35A की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे जो राइट्स हैं ख़त्म किए गए और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, फ़ोन बंद किए गए, इंटरनेट बंद किया गया और कहा गया आपके लिए बड़ा अच्छा हो रहा है, तो कल इन लोगों को भी पता चल जाएगा जो उस वक्त उस डिसीजन के साथ थे, जो उस वक्त हमें कहते थे ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले 370 और राइट्स वगैरह ढूंढते हैं, पुरानी बात है आगे चलिए जी। लेकिन कल जब वोट अवाम देगी, क्योंकि पावर ये अवाम के हाथ में है, तो कश्मीरी कौम जो है वो बहुत ही अवेयर है पॉलिटिकली, कश्मीरी कौम पॉलिटिकली हर चीज़ के बारे में जानती है, हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, और वो ये भी समझते हैं कि किस तरह के जो है हथकंडे अपनाए गए पिछले कुछ सालों में, चाहे किसी जर्नलिस्ट भाई ने मुंह खोला हो, चाहे किसी आम आदमी ने मुंह खोला हो, PSA, UAPA, ये सारे चीज़ें जो हैं ये हमें पीछे से डराते रहे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये कश्मीरी आवाम को सब इस चीज़ के बारे में मालूम है।